शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र में मुरादाबाद कानपुर स्टेट हाईवे के किनारे गुरुवार रात दुर्गा जागरण का आयोजन चल रहा था। इसी बीच कुछ लोग शराब के नशे में जागरण में पहुंचे और किशोरियों के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास करने लगे। किशोरियों के विरोध करने पर शराबियों ने किशोरियों के परिजनों को भी पीटा। सूचना पर पहुंचे थाना इंचार्ज पंकज चौधरी, दारोगा गोविंद सिंह पर शराबी हमलावर हो गए और मारपीट करने लगे। आरोपियों के साथ पुलिस की जमकर मारपीट हुई। शराबियों ने दारोगा की वर्दी फाड़ दी और बिल्ले नोच लिए। घटना के बाद दुर्गा जागरण में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है व उनके खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया है। कलान कस्बे में कल एक जागरण हो रहा था। उस जागरण के दौरान छेड़खानी की सूचना पर चौकी इंचार्ज अपने पुलिस बल के साथ पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कुछ लोगों द्वारा उनके साथ अवैध व्यवहार किया गया और हमलावर हो गए। इसके संबंध में थाना कलान पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी कुछ वीडियो है, उनकी फुटेज के आधार पर उनकी भी जानकारी की जा रही है और उनके सख्त से सख्त।